हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आरक्षण से जुड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। देखिए, बड़ी अपडेट, राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक किया वापस। जी हां, ये जो जानकारी प्राप्त हो रही है छत्तीसगढ़ के नहीं है, लेकिन साथियों छत्तीसगढ़ की तरह अन्य राज्य में भी आरक्षण जो परसेंट है, आरक्षण का प्रतिशत है, उनको बढ़ाने के लिए एक विधेयक बनाया गया था और उस विधेयक को पास करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल को सौंपा गया था, लेकिन राज्यपाल द्वारा उस विधेयक को वापस कर दिया गया है। जी हाँ, आइए हम इसको पूरा डिटेल से जानते हैं। तो साथियों, ये जो मैं बातें आप सभी को बता रहा हूँ ये झारखंड की है। जी हाँ, झारखंड के राज्यपाल ने आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले विधेयक को लौटा दिया है। जैसा कि प्रदेश में है 50% आरक्षण रोस्टर था, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार 76% आरक्षण रोस्टर के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया, जिस पर हस्ताक्षर होना था राज्यपाल का। राज्यपाल कई महीनों से उसको रखा है। ठीक वैसे ही झारखंड में भी राज्यपाल को सिग्नेचर करने के लिए विधेयक गया हुआ था, लेकिन राज्यपाल ने ही उस विधेयक को वापस लौटा दिया है। देख पाएंगे, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले विधेयक को लौटा दिया है। राज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से कानूनी राय के आधार पर विधेयक को लौटाया गया है। पिछले साल नवंबर में झारखंड विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में कुल आरक्षण 77% करने का विधेयक पारित किया था। चौंकाने वाली बात यह है साथियों कि ये जो झारखंड का आरक्षण विधेयक है नवंबर की है, और आप काउंट करके देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 माह हो गया। और ठीक ऐसा ही कंडीशन हमारे प्रदेश में हो रहा है। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में भी 4 माह से ज़्यादा समय हो गया है आरक्षण संशोधन विधेयक लंबित है राज्यपाल के राजभवन में। तो झारखंड में विधेयक को वापस कर दिया गया है, अब छत्तीसगढ़ में क्या होगा ये समझ से परे है। लेकिन साथियों, दूसरे राज्य में जो घटना घटित होती है उसका प्रभाव अन्य राज्यों में भी पड़ता है, आप सभी जान रहे हैं, है ना भाई। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह राज्य झारखंड में 77% आरक्षण रोस्टर विधेयक पारित हुआ था, वैसे ही हमारे प्रदेश में भी 76% का आरक्षण रोस्टर पारित हुआ है ना भाई। तो ये भी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि अन्य प्रदेश में हुआ वैसे ही राज्यपाल विधेयक को वापसी भी कर सकता है। देखिए दूसरी तरफ क्या है, भूपेश बघेल का साफ कहना है भर्ती के संबंध में कि जब तक आरक्षण रोस्टर जारी नहीं होगा या जब तक आरक्षण का मामला क्लियर नहीं होगा तब तक नई भर्तियां छत्तीसगढ़ में नहीं आएंगी, और 5 से 6 माह ही शेष है, उसके बाद में आचार संहिता लग जाएंगी और सभी भर्तियां अपने आप स्वतः ही रुक जाएंगी। तो अब ये क्या होगा, इसका क्या हल निकलेगा, ये तो शासन प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि शासन प्रशासन छत्तीसगढ़ की सरकार ही तय करेगी आरक्षण की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ। जय हिंद।